तो ये एक अलग ही ट्रेंड है, तो इसके हम भी इसका साथ देंगे। और जो नई पीढ़ी आ रही है मोस्टली जो शादी में लग्जरी कार लेके जाते हैं। हर एक बेटी का सपना होता है कि उसे अपने पति के रूप में अपने पिता की छवि दिखे। हेलो भाई साहब, मैं धंधा कहलाता चुका हूँ झज्जर में, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो आज विशाल की शादी है। हम आपको बता रहे हैं ये पहली ऐसी अनोखी शादी होने वाली है कि ट्रैक्टर पर बारात लेके जाएगा और दुल्हन को प्रियंका नामक दुल्हन को ट्रैक्टर पे लेके आएगा, ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल जी, दुल्हन को ट्रैक्टर पे लेके आओगे? ट्रैक्टर पे लेके आओगे, ये एक अनोखी शादी होने वाली इस प्रकार की, मतलब तो इतने बड़े बड़े व्हीकलों को छोड़ के आप सिर्फ ट्रैक्टर पे लेके आओगे, क्या आपके पास वो व्हीकल है? नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल मौजूद है वो व्हीकल, पर मेरा शुरू से ही ट्रैक्टर का शौक था तो मैं ट्रैक्टर पे ही लेके आया। और एक जमींदारी से जुड़े हुए हो, झज्जर की जिले की मट्टी से जुड़े हुए हो, तो इसलिए ये प्रोग्राम बिल्कुल पूरे खेत हरियाणवी है जी, पूरे अपने जमींदार जुड़े हुए हैं हम कतीनू कैमरे की नजर घुमा कर दिखा दिए सारे अपने कैमरे को भी, रुबारे अपने हरियाणा वासियों को भी। भाई लग्जरी गाड़ी भी है आप सारी चीजें, लेकिन जमींदारी का शौक था लड़के ने, भाई उन्हें माता पिताजी देखे, इसने दादा दादी देखे हैं जमींदारा करते, तो इन्होंने एक ही बोल लिया है भाई मैं ट्रैक्टर में बरात लेकर जाऊंगा, अपनी घरवाली ने ट्रैक्टर देखा हूँ। तो विशाल भाई हमने आड़े थी भी सुना है कि आप दहेज में जो पेड़ पौधे लेके ले आने वाले हो। बिल्कुल जी, पेड़ पौधे लेकर आने वाले बिल्कुल ला कर लगाऊंगी। पहले तो भाई तुम्हारा ये आने पर आपका प्राकृतिक और सांस्कृतिक और हमारी संस्कृति के जो प्रचलन चलाया है इस बेटे ने, हमने इस पर गर्व है। क्यों? क्योंकि एक जमींदार का लड़का है, ये एक सर्विसमैन है, बाप इसका हेल्थ इंस्पेक्टर और भाई इसका एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है, सारा परिवार संपन्न है, छोटा रिश्तेदार भी। लेकिन इसकी एक इच्छा थी, अब मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की संस्कृति को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मेरी दुल्हन भी ये समझे कि भी हाँ परिवार एक कृषि प्रधान देश के नाते हमारा परिवार संपन्न है। आपने किसानों का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया है कि हम उसकी तारीफ भी नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहोगे? जय जवान जय किसान यही नारा रहेगा। किसान भाई को पहल करने जा रहे हैं कि ट्रैक्टर को दुल्हन को लेके आएंगे, उसके बारे में क्या कहोगे? ये बहुत अच्छी पहल है, हम इस बेटे का गौरव करते हैं और हमेशा इसके साथ रहेगा, ये जमींदारी में भी एक अच्छी जोड़ी सलामत रहे, मैं ये दुआ चाहती हूँ। लेकिन किसानों का बहुत मान सम्मान बढ़ाया है इन्होंने, जैसे इस प्रकार ये पहल करने जा रहे हैं, किसान का दर्जा और ऊँचे उठने जा रहा है, उसके बारे में क्या बताओ? इससे हमें बहुत गौरव है अपने बेटे पर, ये और माता बहने जो भी इसकी यहाँ आई हुई है इनको भी इसे बहुत अच्छा लगेगा, अपने खेती को किसानों को आगे बनाने की एक पहल करने जा रहा है, उसका सहयोग देंगे और आगे हम भी इसका साथ देंगे, और जो नई पीढ़ी आ रही है वे भी इसके जल कदमों पर चले, आने वाली पीढ़ी इनसे सीखेगी, सीखेगी बिल्कुल सीखेगी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विशाल भाई एक तो दहेज लेना चाह रहे और दहेज अब देने की बात कर रही है, तो सिर्फ पेड़ पौधे लेने की बात कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात अपनी दुल्हन को ट्रैक्टर पर लेके आने वाले हैं, उसके बारे में क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि जो ये हमारा नाते भी इसको पता लगता हूँ, जो ये भाई ने पहल की है, ये पहल नहीं जो हमारे बुजुर्गों की जो पहले प्रक्रिया चलती थी, जो हमारे दादा ट्रैक्टरों में बरात लेकर के चलते थे, उस टाइम का जो जमाना था उसको याद दिलाने के लिए काम किया है, और एक उन दहेज के लोगों को लालचियों को एक सबक सिखाने का भी काम किया है। मेरा सभी को नमस्कार, ये जो दुल्हन है वो मेरे गांव की बेटी है, वो एक किसान की बेटी है, उसके बाप ने अपने किसान खेती बाड़ी करके उसको पूरा पढ़ा लिखा है। हर एक बेटी का सपना होता है कि उसे अपने पति के रूप में अपने पिता की छवि दिखे, इसलिए वो सभी को इंस्पायर करना चाहती है, और यही मेरे बेटे का है सपना कि सभी इंस्पायर हो, ये भारी दिखावा और सजावट मतलब ये सभी चीज़ों पर खर्चा न करो और अपने बच्चों को पढ़ाए।
जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, प्रियंका और विशाल भाई ने एक मिसाल कायम की है सभी किसानों के लिए और सभी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने जा रहे हैं। सभी किसानों को एक सीख देने जा रहे हैं कि अपना जो किसानी है और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी जाता है किसानी और जवानी जिंदाबाद, इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रियंका जी। नमस्कार प्रियंका जी। प्रियंका जी, जिस प्रकार आज विशाल भाई खुद ट्रैक्टर चला कर आपको देने आए हैं, क्या कहना चाहोगे? शादी करने आए उसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और शुरू से उन्होंने खेती बाड़ी करके मुझे पढ़ाया है, और जैसे किसान हमारे अन्नदाता होते हैं तो इसे एक मोटिवेशन भी मिलती है। कहीं ना कहीं विशाल भाई ने वो मिसाल कायम की है जो सभी किसानों के लिए आगे एक सीख बनेगी और लोगों के लिए भी सीख बनेगी कि अपना किसान का धर्म है वो अपना छोड़ना नहीं चाहिए। जो दिखावा में बढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, उससे कहीं अपना एक जमींदार का काम है तो जमींदार ने इस प्रकार की शादी विवाह में ले जाना कोई बुरा नहीं होता उसके बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है कि मोस्टली जो शादी में लग्जरी कार लेके जाते हैं तो ये एक अलग ही ट्रेंड है, तो इससे एक मोटिवेशन ही मिलेगी।